नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। सबसे पहले सबसे तेज हरियाणा अपडेट से मैं मनोज फौजी। आज मैं गांव चिल्लावास के अंदर आया हूं, जहां पर एक कबड्डी प्रतियोगिता को अंजाम दिया जा रहा है और बाहर से जो आने वाली टीमें हैं उनके लिए विशेष यहां पे सुविधा की गई है। तो गांव वालों से मैं पूछने की कोशिश करता हूं, यहां पे क्या सुविधाएं हैं और किस प्रकार की टीमें यहां पे आ रही हैं, उनका क्या क्या प्रोग्राम है, ये गाँव वालों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम बताएं पहले और यहाँ पे क्या प्रोग्राम है वो बताने की कोशिश करें। मेरा नाम दिनेश कुमार फौजी और मेरे गाँव में कबड्डी का टूर्नामेंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी बहुत ही भारी तादाद में इनाम है। 81,000 फर्स्ट की है और द्वितीय स्थान की 61,000 रुपये और ऐसे ही क्रमवार 16 टीमों तक की इनाम रखी गई है। आपका कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे टीमें आएंगी उनको सभी को इनाम दिया जाएगा? हाँ, लगभग सभी को दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या यहाँ पे इवेंट्स हैं? इसके बाद बुजुर्गों की दौड़ है, 100, 400, 1600 मीटर की दौड़ है, उनको इनाम क्या दी जाएगी? बुजुर्गों के लिए हुक्का है और जवानों के लिए आकर्षक इनाम है। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बूढ़े आदमी यहाँ पे हुक्का पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हरियाणा में है उड्डा का ये हुक्का का ज़्यादा प्रचलन है, इसलिए उनको हुक्का इनाम दिया जाएगा। हुक्का भी काफ़ी आकर्षक है और काफ़ी महंगे हुक्के हैं, जो बूढ़े जो यहाँ के आदमी हैं उनको ये इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या जो आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो कि किस प्रकार से टीमें आ रही हैं, आप कुछ बताना चाहोगे? जी बस जी यही है, जितनी ज़्यादा टीमें हर एक टीम के लिए किराए भाड़े की व्यवस्था करी गई है, अच्छी खातरदारी करेंगे जो भी बाहर से आएंगे उनकी, यही है बस। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा गांव है ये काफ़ी इस कबड्डी जो यहाँ पे जो टूर्नामेंट होने वाले हैं उनसे काफ़ी लिंक में रहा है और यहाँ की जो कबड्डी टीम है वो भी खेलती रहती है और जो भी यहाँ पे कबड्डी की जो टीम आएगी उन किसी प्रकार का कोई भी उनको किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी साइड से कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि उनके साथ में कुछ गलत हो, सभी को एक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा और सही प्रकार से इनाम दिए जाएंगे और जो भी गांव की तरफ से जो भी खेल कराए जाएंगे आगे आने वाली टीमों को एक आदर्श के रूप में ये गाँव प्रतियोगिता के रूप में उभरेगा। और भी थोड़ा हम बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ से पहलवान साहब हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताएं किस प्रकार से यहाँ पे जो आपको अभी संज्ञान में आया किसी टीम ने कोई एंट्री कराई हो या किसी टीम का फोन आया हो तो इसके बारे में बताने कोशिश। भाई साहब, डेली हमारी टीमों से बात होती रहती है और तकरीबन मान के चलो कि पूरा हरियाणा से टीम चल के आएंगी और जो भी गेम होंगे बिल्कुल निष्पक्ष गेम होंगे और आने वाले चाहे वो प्लेयर हों या वैसे बाहर गांवों से कोई भी मतलब जो आते हैं ना दर्शक, उनके लिए चाय पानी का हुक्के का पूरा प्रबंध है और बिल्कुल निष्पक्ष करवाएंगे। बोलना चाह रहे हैं कि गेम जो भी होंगे निष्पक्ष होंगे लेकिन जो प्लेयर हैं वो किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, जैसे नशा है या कोई चिकना पदार्थ है अपने शरीर पर लगा के नहीं खेल सकते। और ये भी सुनने में आया कि जो एक पंचायत से कितने खिलाड़ी यहाँ पे खेल सकते हैं? एक पंचायत में दो प्लेयर बाहर के हो सकते हैं जी, एक टीम में दो प्लेयर बाहर के हो सकते हैं पंचायत जी, एक पंचायत के यानी कि एक गांव की जो टीम है उसमें दो प्लेयर बाहर से खेल सकते हैं, ये इनकी तरफ से। और जो भी यहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी रेफरी व जो आदर्श क्लब है इनका जो फैसला है वो अंतिम और निर्णय होगा, किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पे नहीं होने दी जाएगी। बंद कर दे भाई। ये सर जी, हमारे आदर्श क्लब जिलावास की तरफ से कबड्डी सर्किल प्रोग्राम किया जा रहा है, फर्स्ट सर्किल कबड्डी प्रोग्राम है ये हमारा और हम कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छे से अच्छे प्रकार से संपन्न करें। ये आप यहाँ पे जो टीमें आएंगी कितनी टीमें आएंगी और कितनी टीमों को आप इनाम दोगे? सर जी देखो, समथिंग टीम ऑल हरियाणा से चल के 35 से 40 टीमें आने की उम्मीद है हमारे को इनाम की राशि को देखते हुए। और हम फर्स्ट को 81,000, सेकेंड को 61, थर्ड फोर्थ को 31 और फिफ्थ से लेके 8 तक 5100 रुपये और 8 से लेकर 16 टीमों तक हम 2100 रुपये और उसके अलावा जो भी टीमें हमारे इस ग्राउंड में हिस्सा लेंगे हम उनको उचित किराए देंगे। जो आप दौड़ करा रहे हो बुड्ढों की उनमें से कितने बंदे फर्स्ट सेकंड या थर्ड को इनाम दोगे या इसके अलावा भी कोई इनाम आपके पास? सर जी देखो, इतने 100 मीटर की बुड्ढों की दौड़ है, हम उसमें फर्स्ट जो आएगा बुजुर्ग आदमी उसको लगभग समथिंग 3200 रुपये का हुक्का इनाम में दे रहे हैं, सेकंड को हम 2400 रुपये का हुक्का दे रहे हैं और बुजुर्ग अगर 5-6 से ज़्यादा आए तो हम थर्ड को भी अपनी तरफ से आ सके मतलब इनाम देने की कोशिश करेंगे। ये आप बताइए कि यहाँ पे जितने टीमें आई कोई उनकी एंट्री फीस है उनकी तरफ से, क्योंकि उनको पता होना चाहिए आगे से उनकी जो टीमें आ रही है वो अपनी तैयारी करके आए, ऐसा कुछ है? ऐसा सब कुछ है, ऐसा कोई एंट्री नहीं है, प्रेम भाव से सब यकीन। ये बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी टीमें आएंगी उनकी कोई एंट्री फीस नहीं है, सिर्फ भाइयों का प्यार।
सिर्फ भाइयों का प्यार चाहिए, वही इस गांव की जो टीम है टीम आएगी, उस टीम की जो एंट्री फीस है वो सिर्फ भाइयों का प्यार, ऐसा पर्चे में लिखा हुआ है। और बड़े ही अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता को अंजाम दिया जाएगा और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, ये यहाँ का जो कमेटी है, जो यहाँ की आदर्श क्लब है, उसका ये कहना है।